हेलो स्टूडेंट आज हम लोग क्लास इलेवेंथ का मैथ चैप्टर टू रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज टू पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए उसके बाद इस चैप्टर को आप सॉल्व करें ताकि आपसे क्या हो गया आसानी से सॉल्व हो सके तो चलिए हम लोग देखते, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन टू पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर वन तो क्या कह रहा है क्वेश्चन चलिए देखते हैं लेट ए इक्वल टू वन वन से लिखा था क्या फोर्टीन तक वन टू थ्री डॉट डॉट फोर्टीन तक लिखा हुआ है डिफाइन आर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दे थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो वेयर एक्स वाई बिलोंग्स ए राइट डाउन इट्स डोमेन कॉर डोमेन एंड रेंज देखिए हम लोग को रिलेशन दिया गया है सबसे पहले जो रिलेशन दिया गया है, उसको लिख लेते हैं हम लोग हम लोग को दिया गया है उसको लिख लेते हैं हम लोग एक्स कोमा y ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो और जहाँ पे x और y हम लोग क्या कर रहा है बिलोंग्स कर रहा है a को ठीक है अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हम लोग को एक चीज़ दिया गया क्या थ्री एक्स माइनस वाई थ्री एक्स माइनस वाई तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो लिख लेंगे अब यहाँ से थ्री एक्स इक्ल टू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा क्योंकि माइनस वाई इक्वल किधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा अब यहाँ पे एक चीज़ छोटा सा चीज़ देखिए जो आपको बहुत काम आएगा यहाँ पे देखिए जो थ्री एक्स इक्वल टू वाई यहाँ से हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना तो कैसे करेंगे देखिए हम लोग का ए इक्वल टू क्या दिया गया है वन टू थ्री डॉट डॉट करके फोर्टीन तक दिया गया है ठीक है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले एक्स का वैल्यू क्या करेंगे वन वन पुट करेंगे एक्स का वैल्यू वन पुट करेंगे यहाँ से ठीक है एक्स का वैल्यू वन पुट करेंगे तो क्या आएगा वन आएगा अब यहाँ पे अगर वन पुट कर देंगे तो वाई का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा ध्यान से देखेंगे अगर यहाँ पे वन पुट करेंगे तो थ्री मिल जाएगा यानी कि हम लोग को क्या मिल गया वन कोमा थ्री मिल जाएगा अब x का वैल्यू टू पुट करेंगे सॉरी x का वैल्यू टू पुट करेंगे तो y हम लोग कितना मिल जाएगा y हम लोग को मिल जाएगा कितना देखिए यहाँ पे टू पुट करेंगे तो टू थ्री जा सिक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा y इक्वल टू सिक्स हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे क्या आ जाएगा टू कोमा सिक्स हो जाएगा अब यहाँ पे x इक्वल टू अगर थ्री पुट करेंगे तो हम लोग को y इक्वल टू क्या मिलेगा देखिए थ्री पुट करेंगे तो थ्री इंटू थ्री नाइन हो जाएगा तो यहाँ पे नाइन आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे थ्री कोमा नाइन अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू फोर पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का y इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का थ्री फोर या ट्वेल्व आ जाएगा तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा फोर कोमा 12 मिल जाएगा अगर आप हम लोग 5 पुट करें अगर हम लोग 5 पुट करते हैं पे तो कितना और यहाँ पे हम लोग जब 5 फाइव करेंगे तो लेकिन क्यों क्योंकि वाई का वैल्यू क्या जाएगा फिफ्टीन तो हम लोग को यहाँ पे फिफ्टीन नहीं दिया गया इसलिए हम लोग उसको नहीं लेंगे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग को क्या क्या मिल गया रिलेशन में चलिए देख लिख लेते वन कोमा थ्री और क्या मिला टू कोमा सिक्स और क्या मिला थ्री कोमा नाइन और क्या मिला फोर कोमा ट्वेल्व मिल गया अब हम लोग क्या करेंगे इसको बना लेते हैं हम लोग अब इसमें लिख देंगे यहाँ पे वन से फोर्टीन तक वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट कर देते हैं यहाँ तक फोर्टीन तक ठीक है यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन और टूवेल्व भी कर देते हैं यहाँ पे छोटा सा ऐसे कर देते हैं इसको हटा देते हैं यहाँ पे कर देते हैं ट्वेल्व हो गए यहाँ पे डॉट डॉट फोर्टीन कर देते हैं ठीक है आप लोग थोड़ा अच्छा से बनाइएगा मेरा थोड़ा ख़राब बन गया अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है देखिए वन के साथ क्या है थ्री वन के तो वन है यहाँ पे यह हम लोग क्या हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई यहां पे क्या वन वन के साथ थ्री तो वन के साथ थ्री फिर क्या है टू के साथ सिक्स तो टू के, सा, के साथ टू के साथ सिक्स ठीक है अब उसके बाद क्या है थ्री के साथ नाइन थ्री के साथ नाइन फिर क्या है फोर के साथ ट्वेल्व है तो फोर के साथ ट्वेल्व अब हम लोग यहां पे देखेंगे डोमेन क्या होता है हम लोग यही फाइंड करना तो डोमेन हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ यह, यहाँ यहां से जो रो यहां से जो रो गया गया देखिए वन से गया गया रो टू से भी गया थ्री से गया फोर से गया तो हम लोग का डोमेन क्या क्या हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा डोमेन हम लोग का वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा और फोर हो जाएगा ठीक है वन टू थ्री फोर आप लोग यहां से भी लिख सकते हैं वन टू थ्री फोर लेकिन हम लोग को यहां से सीखना है ठीक है यहाँ से भी आप लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको यहां से मेन सीखना है ठीक है तो यहां से जहां जहां से रो गया है उसको लिख देंगे, देंगे डोमेन में किससे किससे रो गया किससे किससे हम लोग का एरो गया है रो उन्हें एरो गया है ना एरो तो वन से गया टू से गया थ्री से गया फोर से तो डोमेन हम लोग का वन टू थ्री फोर हो जाएगा आप को डोमेन की बात करें हम लोग को डोमेन की बात करेंगे तो को डोमेन यहां पर जितना भी वैल्यू उसको हम लोग लिख देते हैं को डोमेन में तो यहां पर लिख देता है वन टू थ्री और डॉट डॉट कर देते कहां तक फोरटीन तक ठीक है आप चलिए आगे देखेंगे हम लोग अब रेंज रेंज की बात करेंगे तो हम लोग का रेंज क्या हो जाएगा रेंज हम लोग यहाँ से देखेंगे यहाँ में देखिए जिसमें जिसमें रो आया जैसे देखिए थ्री में आया है सिक्स में आया है और नाइन में आया और ट्वेल्व में आया यहाँ पे भी दिया थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व तो वहीं से हम लोग ने किया वन के साथ थ्री था टू के साथ सिक्स था और थ्री के साथ नाइन्थ था और ट्वेल्व के सॉरी फोर के साथ ट्वेल्व था तो हम लोग का रेंज यहाँ पे वही हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से थ्री में है सिक्स में है फिर नाइन में है और ट्वेल्व में है तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है और एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ देखिए यहाँ से हम लोग ने क्या देखिए एरो किसकी, किसकी 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 तरफ है देखिए थ्री की तरफ है सिक्स की तरफ है और नाइन की तरफ या और ट्वेल्व की तरफ है, है. यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं देखिए थ्री सिक्स एंड नाइन है ट्वेल्व है लेकिन हम लोग को मेन यहाँ से सीखना है ठीक है मेन हम लोग को यहाँ से सीखना है तो देखिए हम लोग ने इसी को यहाँ से एरो में मिलाया था देखिए वन वन के साथ वन कोमा थी नहीं था तो, तो वन यहाँ से लिए थे और थ्री यहाँ से ठीक है तो थ्री को हम लोग ने यहाँ पे लिखा फिर यहाँ पे किसके तरफ एरो आया सिक्स के तरफ तो सिक्स लिखा हम लोग लो ने नाइन की तरफ एरो आया तो नाइन को भी लिखा और ट्वेल्व की तरफ भी एरो आया तो ट्वेल्व को भी लिखा है ठीक है सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू